नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा और वो आपके लिए बहुत ही जरूरी भी है। दोस्तों ये जानकारी बहुत ही मामूली सी है, लेकिन यकीन मानिए कि ये आपको तबाह कर सकती है, यानी कि बर्बाद भी कर सकती है। दोस्तों अगर आप पेटीएम चलाते हैं, जैसे कि आज का टाइम है, डिजिटल पेमेंट फीचर आजकल आ रहे हैं नए नए, अगर आप पेटीएम यूज़ करते हैं या कोई सा भी वॉलेट, देखिए मैंने यहाँ पर पेटीएम आपको बोला है, लेकिन आप अगर ऑक्सीजन वॉलेट, पेटीएम, भीम या और भी बहुत सारी ऐप्स हैं, अगर इस तरह की अगर आप डिजिटल ऐप्स जो ये वॉलेट हैं अगर इनको आप यूज़ करते हैं, तो देखिए अगर आप एक छोटी सी गलती करते हैं जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपको बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है, यानी कि आप बर्बाद भी हो सकते हैं। ये गलती जितनी छोटी है इसके परिणाम बहुत ही भयंकर, उतने ही बड़े परिणाम इसके हो सकते हैं। देखिए आमतौर पे हम जो यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं, चाहे आप ऑक्सीजन वॉलेट यूज़ करते हैं, चाहे आप भीम ऐप यूज़ करते हैं, चाहे आप और भी बहुत सारे वॉलेट हैं मार्केट में, वो आप अगर उनमें से कोई सा भी यूज़ करते हैं, तो देखिए हम इस तरह से उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और हम उसमें साइन इन करके रखते हैं और ऐसे कि ऐसे ही हम उसको बंद कर देते हैं। आप में से भी बहुत से लोग, यानी कि 70-80% लोग ऐसे होंगे जो इसी तरह से अपने जो वॉलेट है पेटीएम का या जो भी, उसको इसी तरह से आप यूज़ करते हो कि उसे आप डायरेक्ट ओपन करते हो और डायरेक्ट ही बंद कर देते हो। लेकिन यहीं पर आप गलती करते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपने ये, हमने पेटीएम ये मैंने ओपन किया था और मैंने इसको डायरेक्ट ही बंद कर दिया, मैंने इसको यहाँ से साइन आउट नहीं किया। अब ये मान लीजिए मेरा फ़ोन कहीं गिर जाता है, ठीक है, मान लीजिए मेरा फ़ोन कहीं गिर जाता है या चोरी हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरे फ़ोन जैसे ही ओपन होगा और कोई भी मेरे पेटीएम को ओपन कर लेगा, तो पेटीएम जो है वो इस तरह से ओपन रहेगा, ठीक है, और यहाँ से वो किसी भी तरह के पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकता है, चाहे वो रिचार्ज करे, चाहे वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ले, वो किसी भी तरह से यहाँ से पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकता है। क्योंकि अब देखिए आपके मन में ये बात आ रही होगी कि भाई कैसे पेमेंट ट्रांसफ़र कर लेगा, उसका OTP तो हमारे फ़ोन में ही आएगा। तो मैं आपको ये याद दिला दूँ कि ये फ़ोन आपका जो है इस टाइम जो खो गया है या चोरी हो गया है, तो इस फ़ोन के अंदर तो आपकी सिम कार्ड भी डला हुआ है और उसी सिम के ऊपर OTP भी आएगा। तो दोस्तों जब भी यहाँ से आपका कभी फ़ोन चोरी या गिर जाएगा और जब भी कोई पेटीएम या किसी भी आपके वॉलेट का मिसयूज़ कोई करेगा, पैसा इधर से उधर ट्रांसफ़र करेगा, तो उसका OTP भी आपके इसी फ़ोन पर आएगा और उस OTP की मदद से आपको लाखों रुपए की चपत लग सकती है, लाखों रुपए का आपको नुकसान हो सकता है, आपकी ज़िंदगी भर की कमाई आपकी चुराई जा सकती है छोटी सी एक गलती की बदौलत। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ आप एक काम कीजिए, एक छोटा सा काम है वो आप ज़रूर कीजिए। वो क्या करना है देखिए, आपको हमेशा जब भी आप कोई सा भी जो भी वॉलेट आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आप लॉगआउट ज़रूर कीजिए। जैसे कि ये देखिए मैं आपको लॉगआउट करने का भी तरीका बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं लॉगआउट कैसे करें, साइन आउट कैसे करें। तो दोस्तों कभी भी डिजिटल आप वॉलेट कोई सा भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप लॉगआउट ज़रूर करें, ठीक है। और देखिए वो कैसे करेंगे वो मैं आप बताता हूँ। आप अपने प्रोफाइल में चले जाइए, ठीक है, तो आपको अपनी प्रोफाइल में जाएं, देखिए यहाँ से यहाँ पे आप टच करेंगे इस स्माइली पर, आइकन पर, जैसे आप यहाँ पे टच करेंगे इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर यहाँ आपको टच करना है, ठीक है, यहाँ पर आप टच कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर टच करेंगे तो आपकी प्रोफाइल जो है वो ओपन हो जाएगी, देखिए अभी थोड़ा टाइम लग रहा है ये ओपन होगी, और मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप जैसे इस तरह की प्रोफाइल आपकी ओपन हो जाएगी, आपको नीचे जाना है, नीचे जाइए और सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा लॉग आउट, सबसे नीचे आपको ये ऑप्शन आएगा लॉग आउट, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आप कभी भी पेटीएम, ऑक्सीजन या जितने भी वॉलेट मार्केट में हैं आप उनको अगर यूज़ करते हैं, तो जब भी आप उनसे बाहर आएँ, अपना आप काम कर लें, तो उसको लॉग आउट आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद अब आप बिल्कुल सेफ हैं, आपके अकाउंट से कोई भी गड़बड़ नहीं कर पाएगा। दोस्तों बहुत ही छोटी सी जानकारी, लेकिन इसके इम्पैक्ट या कहिए कि इसके जो प्रभाव हैं बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं। आपकी जो ज़िंदगी भर की कमाई आपके बैंक में पड़ी होती है और बैंक आजकल सिम से लॉक हैं, हमने उनको लिंक किया हुआ है, तो दोस्तों इसीलिए मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि मुझे पता है और मैंने कई लोगों को देखा भी है कि वो इसी तरह से अपना पेटीएम या और भी वॉलेट यूज़ करते हैं। तो आप प्लीज़ सेफ़ रहिए, इसीलिए मेरा कारण था इस वीडियो को बनाने का। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ भी उन्हें शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस तरह की गलती करने से बचें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके, और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए, ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहें। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।